माननीय अध्यक्ष जी, ये सारे लोग सिद्धांतों की मुझे दुहाई दे रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं, तृणमूल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी आज एक मंच पर है, किस सिद्धांत के तहत है जरा बताइए तो मुझे, किस सिद्धांत के तहत है? पूरा जीवन एक तृणमूल कांग्रेस पार्टी का जन्म ही कम्युनिस्टों का विरोध करते हुए हुआ है। कांग्रेस पार्टी से वो इसलिए अलग हुए, कांग्रेस पार्टी से इसलिए अलग हुए कि नरसिम्हा राव जी ने कम्युनिस्ट पार्टी से हाथ मिला लिए और आज सत्ता प्राप्त करने के लिए वो इनके साथ बैठे। एक कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी केरल में तो यूडीएफ एलडीएफ कर एक दूसरे की जान लेने पर आमादा है और वहां इलू इलू कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये जनता दल, ये जेडीएस, माननीय अध्यक्ष जी, जेडीएस ये नीतीश कुमार जी है, जेडीयू ये नीतीश कुमार जी है, जिनकी राजनीति चारा घोटाले का विरोध कर हुई। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी कहते थे, मैं पान का बंडवारी बन जाऊंगा मगर कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा, लालू के साथ नहीं जाऊंगा। मान्यवर, ये साथ में आ गए, साथ में क्यों आए? मान्यवर, मान्यवर ये साथ में क्यों आए हैं? ये साथ में इसलिए आए हैं कि उनको भरोसा है कि अकेले कुछ हो नहीं सकता, इकट्ठा हो जाओ तो कुछ तो कर पाएंगे। मगर मैं आज बताना चाहता हूं मान्यवर, और 5-10 लोगों को जोड़ दो, कुछ नहीं होने वाला है। 24 मई में फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। मान्यवर, मान्यवर श्री संजय राउत ने कहा, Don't get agitated, sir. We will have a good transactional business. Yes, leader of the opposition. Your point of order, sir? देखिए, जरा मुझे 2 मिनट चांस दीजिए बस। देखिए, शाह साहब, उन्होंने ऑर्डिनेंस पे बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऑर्डिनेंस को छोड़ के वो हमारे इमरजेंसी से लेकर और अब तक जो आगे 2024 में, अरे भाई तो भाई चुप, सब आधे कांग्रेस के हैं इसमें, आधे कांग्रेस में है। देखिए, आप भी सब आप भी थे तो सर, मेरा एक ही निवेदन है कि शाह साहब अच्छे भाषा में बोलते हैं, हिंदी में अच्छा, जैसा अंग्रेजी में हार्वर्ड को उन्होंने बोले कि अच्छे शब्दों में, ऐसा वैसा ही वो भी हिंदी में बहुत अच्छे तरीके से व्याकरणबद्ध हिंदी बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या बोल रहे हैं कि 2024 के इलेक्शन को वो संदेश दे रहे हैं यहाँ से कि हम जीतेंगे। माननीय खड़गे जी, और अपोजिशन का पूरा माननीय खड़गे जी,
माननीय अपोजिशन के टीका टिप्पणी कर रहे हैं आप अपने माननीय खड़गे जी अपने विषय में बोलिए माननीय खड़गे जी आप डिबेट में करीब करीब पूरे समय रहे हैं और डिबेट में आप करीब करीब पूरे समय रहे हैं पर कुछ समय आप नहीं थे। मैं आपको कह सकता हूं कि आप रिकॉर्ड को देखिए सभी सदस्यगण ने अपने भाषणों के अंदर जो आयाम अपनाया है उसका रिस्पॉन्स है। ये नहीं ये 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 नो 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 ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑनरेबल होम मिनिस्टर खड़गे साहब मैं ध्यान रखता हूँ मैं ध्यान रखता हूँ माननीय मैं खड़गे जी का बैठ जाओ माननीय मैं खड़गे जी का धन्यवाद करता हूं। इन्होंने माननीय मैं खड़गे जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने मुझे सदन की उच्च परंपराओं का ध्यान दिलाया। मैंने सदन की परंपराओं का ध्यान रखते हुए सटल वे में मेरी बात कही थी परंतु मान्यवर मैंने सटल वे में ही करी थी। मैसेज आधा अधूरा गया था खड़गे जी ने पूरा मैसेज डाल दिया इसलिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। मान्यवर संजय राउत जी ने कहा कि मोदी जी विदेश जाते हैं तो उनका सम्मान होता है कोई उनका ऑटोग्राफ मांगता है कोई उनको झुक कर नमन करता है कोई उनसे अपॉइंटमेंट मांगता है कोई मोदी जी का बॉस कहता है वो सम्मान मोदी जी का नहीं है देश का सम्मान। मैं यही कहना चाहता हूं हमारे मन में कोई मुगलता नहीं है कि नरेंद्र मोदी व्यक्ति का सम्मान है ये नरेंद्र मोदी नाम के देश के प्रधानमंत्री का सम्मान। मगर इतने सारे देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री राष्ट्राध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री को सम्मान देते हैं इससे देखकर आप भी जरा देना चालू करो तो थोड़ा अच्छा दिखेगा। माननीय कम्युनिस्ट पार्टी के दो सदस्यों ने मेरी पार्टी का उल्लेख देकर कहा कि मेरी पार्टी का आजादी के आंदोलन में कोई इतिहास नहीं है हिस्सा नहीं है। सुनिए मगर मैं उनके एक व्यवहारिक जनरल नॉलेज पर